everyone. So, welcome to my channel, Miss Botinophilic, And in today's video, I'll be telling you about the order Velvet seals That is an important order in Gymnosperm. Okay. So, without wasting time, let's get started. So, first of all, I have written here about the introduction, and the notes are very older so I guess you will not be able to understand the writing. So, first of all, I'll be reading it, and then I'll be explaining it to you. So, represented by a single family, Velvet CAC, which is represented by genus Velvetia, restricted to the region of South Africa when rainfall is negligible. Habitat is xerophytic that grow on sand or bare rock. Genus name in honor of Dr. Frederick Welwitsch who discovered this genus in 1859. Okay, तो so, मैंने इसमें लिखा है कि जो Welwitsiaceae order होता है, इसके अंदर single family exist करती है, जिसका नाम है Welwitsiaceae। और Welwitsiaceae family के अंदर एक single genus है, जिसका नाम है Welwitsiaceae। ठीक है ये जो वेल विथ सियल्स ऑर्डर के अंदर जीनस वेल विथ सिया है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली साउथ अफ्रीका ऐसा रीजन जहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है अगर हम इसके हैबिटेट के बारे में कहेंगे तो जीरो फिटिक हैबिटेट होता है मतलब ये एक ऐसा जीनस है जो कि क्या करता है ड्राई हैबिटेट पर ग्रो करता है स्पेशली इन सैंड एंड बेयर रॉक ओके ये जो जीनस है इसके नाम को दिया गया है इन ऑनर ऑफ डॉक्टर फ्रेडरिच वेलविट्स जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी एटीन पे नाव वी हैव द मार्फोलॉलॉलॉजी ऑफ वेलविक्सिया प्लांट तो अगर हम वेलविक्सिया जीस के अंदर इसकी मार्फोलॉजी देखते हैं तो सबसे पहले लिखा है मैंने प्लांट इज स्ट्रेंज बिकॉज इट्स अपेरेंस इज सिमिलर टू वुडन रेडिश और टर्निप वेरी लॉन्ग लाइफ होती है अबाउट हंड्रेड ईयर और एवन मोर ठीक है तो पहली बात यह जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेंज है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वुडन रेडिश या फिर टर्निप की तरह लगता है सेकंड थिंग कि इसकी जो लाइफ स्पेन है वो काफ़ी हाई है अबाउट हंड्रेड ईयर्स के आसपास उससे भी ज्यादा रह सकता है जो मेजर पार्ट होता है इट इज़ बरीड इन सैंडी सॉइल एंड एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्टेम हैज वेल डेवलप वु डी कॉनकेव डिस्करिंग लार्ज टू स्टार शेव ली तो बेसिकली क्या होता है कि इसका जो हाफ ऑफ द पार्ट है वो सैंडी सॉइल के अंदर ड रहता है ठीक है लेकिन जो एक्सपोज पार्ट होता है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है एकदम वुडी स्ट्रक्चर की तरह वो अपेयर होता है कॉनकेव शेप का होता है डिस्क बेयरिंग होता है विद टू लार्ज स्टार शेप लीव फिर हम इसके स्लीव्स के बारे में बोलेंगे तो दो लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है दैट आर थिक लेदरी ओपोजिटली अरेंज पैरेलल विनेशन के साथ वो जनरली प्रेजेंट रहती है इसका मतलब ये डायकॉर्ट होगा मोनोकॉट होगा इट विल बी अ अट ठीक है क्योंकि इसमें क्या है पैरेलल विनेशन देखने को मिल रहा है आफ्टर दिस यहाँ पे थ्री पेयर ऑफ फॉलियज ऑर्गन डेवलप ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ये तीन पेयर ये तीन पेयर ऑफ फोलियज ऑर्गन क्या क्या होते हैं फर्स्ट इज द पेयर ऑफ कोटियल डोन सेकंड इज द पेयर ऑफ लीव एंड थर्ड इज द टू लीव प्राइमोडिया ये जो टू लीव प्राइमोडिया होते हैं ये फर्दर ऑन जाके क्या करते हैं दे विल फॉर्म द स्केली बॉडीज दैट आर कॉल्ड एज आइदर बर्ड्स और कौनस नेक्स्ट हम इसके बारे में बोलते हैं कि द पोर्शन ऑफ द स्टेम जो पोर्शन ऑफ द स्टेम अबव लीव इज रिफर्स टू एज अ क्राउन एंड द बिलो लीव इज रिफर्स टू एज द स्टॉक तो ये क्या है ये बेसिक मॉर्फोलॉजी है एंड मैंने इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है जहाँ पे आप एक

सबसे ऊपर पे क्यूटिकल की लेयर है क्यूटिकल में संकन स्टोमेटा है ये एपिडर्मिस है ये पेलीसेड की लेयर है जो कि क्या कर रही है स्कलैरनकाइमेटस टिश्यूज़ के साथ एकदम बिल्कुल ऑल्टरनेट करते हुए यहाँ पे अरेंजमेंट है ठीक यह है ये क्या है यहाँ से स्टोमेटा अंडर की तरफ ओपन हो रहा है तो ये यह कैविटी यहाँ पे प्रोड्यूस्ड है देन दिस इज द स्पॉजी पेरनकायमा ये पहली सेट पैरनकायमा था ये स्पॉजी पेरनकायमा हो गया ठीक है यहाँ पे क्या है ये सेंटर पर वस्कुलर बंडल अरेंज है ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये जाइलम है दिस इज द फ्लोएम और इसके अराउंड जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ और ये है फाइब्रस कैप ओके एंड एट दिस लास्ट ये जो लेयर होती है ये रिपीट करती है तो यही पैलिसेड टिश्यू की लेयर हो गई ये क्या कर रही है स्लेरनकाइमेटस चीजों पैचेस के साथ क्या कर रही है ऑल्टरनेट कर रही है देन दिस इज द लोअर एपिडर्मिस जहां पे लोअर मोस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट है और यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है तो ये इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन है अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लीज से पहले हम लिखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है द इज अ प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकल ऑन द लोअर एंड द अपर एपिडर्मिस देन बिलो एपिडर्मिस पेलीसेट टिश्यू ऑल्टरनेट विद द स्लेरनकाइमेटस पैचेस नाउ बिटवीन स्पेस ऑफ पैलीसेट टिश्यू स्पॉजी पेरनकाइमा आर प्रेज दट है स्टोमेटा कैसे होते हैं सिंटेटो शिलिक हो जाता है यहां पे। जाइलम ये देखो ऊपर की तरफ है हमारे एडेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट रहता है और जो फ्लोएम होता है इट विल फेस टुवर्ड द एबेक्सियल सरफेस जो वस्कुलर बंडल है दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज जो कि ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट की गई है ठीक है और क्या होता है कि जो एक थिक फाइब्रस कैप होता है ऑन बोथ द साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल दिस रेड रेड लाइक स्ट्रक्चर ये जो मैंने रेड पेन से बना रखा है यही फाइब्रस कैप है ठीक है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि सबसे पहले कि क्यूटिकल अपर और लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहती है दूसरी चीज कि यहाँ पे एक फाइब्रस कैप होती है जो कि वस्कुलर बंडल्स को सराउंड करती है नाउ वी हैव द एनेटोमी ऑफ द स्टेम इसकी स्टेम में एस सच कोई एनाटोमी पढ़ने को नहीं थी आई जिस गॉड सम नोट्स राइट हेयर सो स्टेम बेसिकली ये बोलता है कि जो अपर सर्फेस ऑफ द स्टेम होती है इट इज कवर्ड बाई थिक एंड रिजिड कॉर्क की लेयर ठीक है जो अपरमोस्ट लेर होती है वो एक कॉर्क के थ्रू कवर रहती है कॉर्क क्या होती है वो एक डेड लेयर होती है जो कि जिसमें जनरली uh, क्या होता है वॉटर से वो इम्परमीएबल होती है एक चीज जो से बताता है कि अपर लेयर क्या होती है उसमें थिक कॉर्क हमारी प्रेजेंट रहती थी अ रिंग ऑफ कॉन्जॉइट कोलिट्रल ओपन एंड एंड डार्च वस्कुलर बंडल वॉज प्रेजेंट ठीक है ओपन मतलब कैमियम का प्रेजेंट होगा कॉन्जॉइंट कहने का मतलब है

नाव वी हैव द एनाटॉमी फॉर द मेल रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर तो जनरी रिपोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो वेल विथ सिया होता है ये डैशस प्लांट होता है मतलब कि जो मेल और फीमेल रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स में रिप्रेजेंट होते हैं तो अगर हम मेल स्ट्रॉबैले से फ्लावर के बारे में कहेंगे सबसे पहले इट बियर अ क्वारेंगूलर कॉन एक्सेस इसमें एक ऐसी कोन एक्सेस होते हैं जिसमें फोर एंगल्स देखने को मिलते हैं कंटेनकॉन और ब्रेड्स इसमें क्या होता है कौन स्केस या फिर ब्रेड प्रेजेंट होते हैं देट आर अरेंज इन द अपोजिट डेक्यूसेट मैनर डेक्यूसेट मतलब एक्स शेप स्ट्रक्चर में वो अरेज रहते हैं ईच मेल फ्लावर हैव टू लेट्रल ब्रेड्स

फ्लावर का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये बाहर की तरफ सबटेंडिंग ब्रेक्ट है ये स्पोरेंजियोफोर है ये हमारी लेटरल ब्रेक्ट्स है रेड कलर से जो बनाई है मैंने ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये पेरियंथ है दिस इज द साइनजीम और ये क्या है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियोफोर है ठीक है तो ये मेल फ्लावर का एलिस हो जाता है और ये मेल कोन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है देन एट लास्ट वी हैव द फीमेल स्ट्रॉआल या फीमेल कोन तो यहाँ पे भी जो एक्सेस होती है बेयर द डक्यूसेट ब्रैक ठीक है नाउ इनसाइड द सप्टेंडिंग ब्रैक्ट ऑफ ईच फ्लावर आर प्रेजेंट टू स्मॉल लेटरल ब्रैक्ट्स टू एनविलप एंड सिंगल न्यूसलस ठीक है तो बेसिकली uh, so, क्या होता है यहाँ पे जो एक सप्टेंडिंग ब्रेट हमारी प्रेजेंट रहती है उसमें हर एक फ्लावर के अंदर क्या होता है दो स्मॉल ब्रेट्स प्रेजेंट रहती है दो एनवलप प्रेजेंट रहता है और एक सिंगल न्यूसलस देखने को मिलता है इनर एनवलप क्या होता है इधर फंक्शन करता है स्टू इंटग्यूमेंट एंड द आउटर डेवलप्स इंटू टू पोस्टीरियर एंटीरियर प्राइमोडिया देट फ्यूजेस टू फॉर्म द पेरियस

वेलविथ सियाल शो करता है सो दीज ऑल आर द केक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर। अगर हमसे पूछा जाता है वेलविथ सीएल एक्सप्लेन किया किसने डिस्कवरी की ठीक है कौन सा ऑर्डर आता है कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है कौन सी फैमिली के अंदर आती है मॉर्फोलॉजी एनेटोमी रिपोर्टक्टिव स्ट्रक्चर्स ठीक है और लास्ट में अगर यह लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो थोड़ी इसके एफिनेटीज लिख सकते हैं नीटम के साथ सो दिस इज द ओनली थिंग दट शड बिकम अंडर द टॉपिक वेल विदियोज हेल्पुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू